हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी। मैं संजय कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एलजेब्रा ट्रिक्स पर आधारित है और स्पेशल वीडियो है किसके लिए, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस प्रकार के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेरा पहला वीडियो है। इसमें आपके लिए रूल है, रूल ऑलरेडी मैंने लिखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए टाइप वन के जो टाइप वन का रूल है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, टाइप वन लेकर आया हूं मैं। देखिए यदि x प्लस वन पॉन x कोई भी वैल्यू दे रखी है, मैंने यहाँ a लिया है, इसकी जगह कोई और भी वैल्यू हो सकती है, तो आपने फाइंड करना है x रेज टू 4 प्लस वन पॉन x रेज टू 4 क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, मतलब एक फॉर्मूला है, इसको आपने दिमाग में रखना है और इसी को याद रखना है। आई होप आप याद रख लेंगे इसको। अगर आपको ये याद हो गया तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिंपल a रेज टू 4 माइनस 4 और a स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमने 4 निकालना है, रेज टू 4 पावर 4, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर a 4 माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2। रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखिए अगर दूसरी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ प्लस है, यहाँ सिर्फ माइनस होगा, वैल्यू सेम कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात चेंज होगी कि यहाँ प्लस वाले में माइनस होगा और माइनस वाले में इधर प्लस होगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम वैल्यू है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए अगर आपके पास है ये एक्स प्लस वन पॉन एक्स दो के बराबर हो, तो एक्स रेज टू 4 प्लस वन एक्स रेज टू 4 इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होता है, आइए करते हैं साथ में। देखिए सिंपल, अगर हमारे पास दो दे रखा है, यहां पर a है, अब a रेज टू 4 है, इट मींस हम यहां लिखेंगे 2 रेज टू 4 माइनस 4 और a, a की जगह क्या हमारे पास 2, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 देन प्लस 2 उसके बाद प्लस 2। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू 4, मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे माइनस 4 और 2 को 2 बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा प्लस 2। अब देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 16 आएगा और 4 4 जब भी हमारे पास देखो 4 से 4 से मल्टीप्लाई के 16 आएगा प्लस 2, तो हमारे से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ 2। तो देख सकते हैं आप 2 किसका आंसर है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप का लेते हैं। देखिए आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट के लिए क्या कर लेते हैं, मान लीजिए यहां पर अगर आपके पास माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है तो क्या होगा हमारे पास, ये अगर इधर दे रखा है माइनस और यहां कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां माइनस दे रखा है और यहां मान लीजिए मैंने 3 वैल्यू ले ली और यहां पर भी माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आइए देखते हैं इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी वही रहेगा। अब ये वाले फार्मूला हमने अप्लाई करना है, देखिए यहां पर है a रेज टू 4, मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है उसकी पावर घात 4 हो जाएगी, a रेज टू 4, अब यहां पर हो जाएगा प्लस प्लस 4 और a की वैल्यू क्या है यहां पर 3, तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2। अब देखिए 4 का स्क्वायर करना है, मतलब सॉरी 4 3 को 4 बार लिखना है, यहां पर लिखेंगे 3 को 4 बार, तो 3 को अगर आप 4 बार लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अब देखते हैं 4 आ गया और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास ये 9 9 प्लस 2। अब देखिए इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा और प्लस का हो जाएगा 36 और फिर 2। अब इन सभी को हमने प्लस कर देना है, देखिए 6 और 1 हो गए 7 और 2 हो गए 9 और 8 और 3 हो गए 11, तो ये आपका आ गया आंसर। तो टाइप 1 थी ये हमारे पास, अब टाइप 2 में चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी आप कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो टाइप 2 की तरफ चलते हैं गाइस। टाइप 2 का रूल ये रहेगा हमारे पास,
यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, टू भी हो सकता है, रूट थ्री भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है इधर। तो आपने फाइंड करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो वैल्यू क्या होगी। सिंपल ये फार्मूला आपने याद रखना है। देखिए इस फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो आप इजिली कर पाएंगे, बस ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और देखिए दूसरी प्रकार का होगा साइन चेंज, यहाँ माइनस है, इधर माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, बस इतना सा याद रखना है। तो आइए हम एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। सॉरी, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास है फोर, तो एक्स प्लस वन पॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, करिए। चलिए साथ में शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर फार्मूला कौन सा क्या अप्लाई होगा, यहां प्लस है, ये वाला फर्स्ट वाला अप्लाई होगा। तो सिंपल यहां पर क्या करना है, हमने निकालना है रूट, और ए क्या है, ये जो वैल्यू दे रखी है, मतलब 4 प्लस 2, हमने इसको प्लस कर दिया तो सिंपल आ गया रूट 6। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बस ट्रिक को याद रखना है। अब इसी को हम ले चलते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास जो है वो ये नेगेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, नेगेटिव। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहां पर माइनस है और यहां वैल्यू चेंज कर देते हैं हम, यहां माइनस और यहां वैल्यू चेंज कर देते हैं, हमने लिख लिया 18। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने वैल्यू चेंज कर दी, लिख दिया 18, और आपके पास ऑप्शन दे दिए हमने, ये देखिए ऑप्शन ए यहां पर कुछ भी लिख दिया मैंने, ऑप्शन ए लिख दिया 4, बी लिख दिया 3, और सी लिख दिया मैंने 8, और डी लिख दिया मैंने 18। तो कौन सा राइट होता है ऑप्शन, आइए हम चेक करते हैं। देखिए अब हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहां माइनस है, इधर माइनस है, तो हम चले गए यहां पर, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सिर्फ फार्मूला याद रखना है आपने, ये हमारे पास आ गया रूट। अब ए क्या है 18, 18 माइनस 2, अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से टाइप 2 भी हमने कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से इसको आप इजिली कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लेंथी होता है। तो टाइप 3 में अभी चलते हैं हम, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। गाइस चलते हैं हम टाइप 3 की तरफ। इसका रूल है x plus 1 upon x is equal to a, कोई भी वैल्यू हो तो x cube plus 1 upon x cube is equal to किसके बराबर होगा। तो उसके लिए ट्रिक है हमारे पास ये x cube minus 3a। जी हाँ, x cube minus 3a। अब सिंपल सी बात है कि अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, उसको मैंने लिखा नहीं है, नेक्स्ट टाइप ले लिया है मैंने, क्योंकि सिर्फ साइन ही चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्स प्लस वन को नेक्स्ट इज इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को नेक्स्ट स्क्वायर क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए यहां पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। अब इसी को हम एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे ढंग से आ जाए। तो देखिए हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, कि x प्लस वन पॉन एक्स बराबर है 3 हो तो x क्यूब प्लस वन पॉन एक्स क्यूब किसके बराबर होगा। ऑप्शन ये आपके पास है, आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। देखिए x प्लस वन पॉन एक्स ये वाली वैल्यू है, x क्यूब प्लस वन पॉन एक्स क्यूब ये वाला है, और अब ये वाली जो फार्मूला है ट्रिक है ये अप्लाई होगी। यहां पर क्या है a क्यूब, ए की वैल्यू यहां पर देखिए तो 3 है, 3 का क्यूब माइनस 3, और ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब जो दे रखा है उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 3 9, 27 हो जाएगा, माइनस 3 9, अगर इसको माइनस करते हैं आप तो आपके पास क्या आता है, तो इस हमारे पास आता है वापस ये 18। जी हाँ, क्या आता है हमारे पास, ये आएगा 18। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाता है। तो इसी तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से इसको इजिली कर लिया है। अब नेक्स्ट जो रूल है उसको फॉलो करते हैं कि उसको किस प्रकार से हमने सॉल्व करना है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास दे रखा है, हमने सिर्फ यहाँ पर स्क्वेयर फाइंड करना है। अब देखिए स्क्वेयर फाइंड करेंगे, यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लेते हैं, देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर 5 और हमने करना स्क्वेयर, तो कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी।
तो 5 ले लिया है, पहले इसको ऑप्शन लिख लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है हमारे पास। हमने ले लिया है ऑप्शन यहाँ पर 13, और बी ऑप्शन ले लिया है 23, और सी ऑप्शन ले लिया है 25, और डी ऑप्शन ले लिया हमने 33। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होके आता है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। हमारे पास है ये x प्लस 1/x 5। तो देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहां पर, x square मतलब सॉरी a square, a क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना था 25, और माइनस 2 कितना है 23। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो गया है। तो देखिए इसी तरह से हमने करना है, अगर यहाँ पर माइनस लिखा हो, इधर माइनस लिखा हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। तो आपके लिए अभी एक क्वेश्चन और इन रूल्स में से मिक्स करके देते हैं, देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे।